हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको आए दिन रूबरू करवाते ही रहते हैं। वहीं हाल ही में आपने देखा होगा वीकेंड के वार पर शहनाज कौर गिल, जो कि आए दिन लोगों को एंटरटेन करती रहती हैं, वो अब सलमान खान के सामने भी टेंट्रम्स दिखाने लगी है। जी हाँ, हाल ही में हमने देखा कि सलमान खान एक टास्क देते हैं जिसमें माहिरा शर्मा और शहनाज दोनों में से कंटेस्टेंट्स को बताना होता है आखिर जेलस ज्यादा कौन है। वहीं रश्मि देसाई सबसे पहले जाती हैं और शहनाज के जार में पानी डालती हुई अपना कारण बताती हैं कि वो एक्चुअली जेलस होती हैं, जिसके बाद शहनाज जोर जोर से रोने लगती है और इसे देखकर सलमान खान काफी भड़क जाते हैं। वहीं आज के एपिसोड में भी हम देखेंगे कि शहनाज काफी अपने टेंट्रम्स दिखाएंगी और सलमान खान उन पर खूब भड़केंगे। अब लेकिन इस चीज पर जो शहनाज हैं उनके पापा का रिएक्शन आया है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोलते नजर आते हैं कि उनकी बेटी शहनाज को घर से बाहर नहीं निकाला गया है, मेरी मेकर से अभी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। शहनाज के पापा ने आगे ये भी कहा कि वीडियो एडिट करके दिखाई जाती है, प्रोमो को कट करके दिखाया जाता है, इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि मेरी बेटी को घर से बाहर कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि शहनाज आउट हो गई है, मेरी बेटी में बचपना है, जो मुंबई के लोग हैं और हम पंजाब वाले लोगों में बहुत डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं हमारी और उनकी लाइफ में बहुत डिफरेंस है। शहनाज एक सीधी सादी लड़की है, बाकी लोग बहुत चलाक है, इसने कभी ऐसे शोज नहीं किए हैं और अभी ये फिट नहीं हो पा रही है, वो लोग चलाकी करते हैं और शहनाज फंस जाती है। इसके आगे शहनाज के पापा ने ये भी कहा कि शहनाज हर बात को दिल पर ले लेती है, लेकिन जो बाकी के सदस्य हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा दोस्तों आपने, शहनाज के पापा का रिएक्शन आया है कि उन्हें घर से बेघर नहीं किया गया है। वहीं आपको याद हो तो हाल ही में जो शहनाज है उनके पापा ने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये दोनों शादी भी कर लेंगे तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपके लिए बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरें लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।